पहले आपके अंदर थोड़ी बहुत नास्तिकता था, वो खत्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सोच और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। दोस्तों, आज हम आए थे यहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज में, जहाँ पर यूसीसी पर डिस्कशन हो रहा था और इस डिस्कशन में चर्चा हो रही थी कि भारत की डाइवर्सिटी को देखते हुए किस प्रकार से यूसीसी को लागू किया जा सकता है और ऐसी मतलब क्या इसको लाने का नुकसान है और क्या इसका लाने का पॉजिटिव, दोनों साइड पे चर्चा हो रही थी। दोस्तों, इस डिबेट में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तभी हमारी नज़र एक ऐसे पार्टिसिपेट पर पड़ी जो कि यहाँ से ही नहीं बल्कि भारत का जो दूसरा हिस्सा है, यूँ कहें कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से आई थी, और हमारे अंदर ये रुचि जागी कि हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे कैसे आई, उनका कैसा सफ़र रहा, बनारस में पढ़ रही हैं तो कैसे बनारस की चीज़ों को देखती हैं, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट से हैं तो खास तौर पे वो यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो फिर मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट है असम, मैं वहाँ से हूँ और यहाँ पे आर्य महिला कॉलेज में पढ़ रही हूँ बेसू में। तो आसाम से बनारस का सफ़र कैसे रहा? तो देखा जाए तो मेरा सफ़र बहुत मतलब सही रहा है। ऐसा मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला फील नहीं हुआ यहाँ आने के बाद। बनारस के लोग बहुत मतलब अच्छे थे, मतलब वो मुझे अगर कुछ नहीं पता होता तो वो मुझे क्या हुआ बेटा पूछकर मतलब बोलते थे, मतलब हेल्प करते थे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा हिंदी अभी इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत मतलब कोशिश करते हैं मेरी बातों को समझने में। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जहाँ से मतलब मुझे ऑकवर्ड फील हो। तो मुझे तो बनारस के लोग बहुत पसंद है, मतलब अच्छे लगे अब तक। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आप यहाँ पे बनारस में आई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो क्या आसाम वगैरह में जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एजुकेशन का माहौल है वो उतना सही नहीं है? नहीं, असम में भी बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल वाले या फिर ऐसे भी बोले। वहाँ के एजुकेशन भी बहुत हाई लेवल के हैं, लेकिन क्या हुआ जब कोविड का सीज़न था, टाइम था लॉकडाउन के समय पे, तब जब घर पे थी तो बहुत बोर हो गई थी मैं, तो मुझे थोड़ा बाहर निकलने का, थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन किया। और बीच में मतलब आने के लिए इसलिए मन किया क्योंकि यहाँ पे मेनली गंगा माता है, मतलब गंगा घाट। बचपन से मुझे थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे अप्लाई की और मिल गया तो आ गई। तो बनारस आप एक्सप्लोर करने के लिए आई, तो क्या क्या चीज़ें आपने देखा बनारस में और आपको क्या क्या चीज़ें बनारस की अच्छी लगी? मुझे तो सबसे अच्छी लगी बनारस की घाटें, मतलब वहाँ पे जाए ना आप लोग तो मन पूरा शांत हो जाती है, पूरा पीसफुल वाला माहौल देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, क्योंकि मतलब वहाँ पे मतलब डेथ मतलब जो पीपल होते हैं उनको जलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको देखा जाए तो एक बच्चा भी जो पैदा हुआ है उसको भी लाया जाता है वहाँ पे। तो मतलब डेथ और बर्थ का वहाँ पे पूरा सर्कल देखने को मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरा जो उत्तर भारत का इलाका है, हमेशा बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग आते हैं उनके चेहरे को लेकर टिप्पणी की जाती है और खान पान को लेकर टोका जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे मतलब कि ऐसा लगता है जैसे काफ़ी अलग फील हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए, और बनारस के लोगों ने आपके साथ कैसा ट्रीट किया, और जैसा आपका ट्रीट रहा तो आप बाकी जो नॉर्थ के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं आपके, आसाम के या नागालैंड के या सिक्किम के, उनके लिए कुछ मैसेज वगैरह? हमारे वहाँ पे एक है कि मतलब सब लोग सोचते हैं कि जब हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर आते हैं तो लोग हमारे साथ मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि दिखने में हम लोग थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत चीज़ है, मैं नहीं बोलूँगी। जब मतलब कहीं मैं जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मतलब कुछ अलग सी चीज़ देख लिया, चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुझे हार्म करती है, बस मतलब उत्सुकता भरी निगाह, क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आके मुझे कुछ मुँह पे नहीं बोलते हैं कि देखो तुम तो चाइना से आई हो, तुम कोरिया से, ऐसा कुछ मुँह पे बोलती नहीं है, लेकिन देखते हैं जो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिल्ली साइड जाएगी तो थोड़ा सा मतलब वो होता है, लेकिन बनारस में मुझे आज तक किसी ने भी नहीं बोला मतलब कि तुम मोमो हो, चिंकी वगैरह, ऐसा वर्ड किसी ने भी यूज़ नहीं किया मेरे ऊपर। जब मैं पहली बार आई थी मेरी फैमिली और मतलब मैं भी थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि वहाँ अकेली जाऊँगी, क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद एक महीने के अंदर ही मुझे अपनापन का वाला जो फील होता है ना, वो बनारस के लोगों ने मुझे दिला दिया था। कहा यूसीसी पे बोला जा रहा है कि ये आएगा तो जो सत्ताधारी दल है, रूलिंग पार्टी, वो ये बोल रही है कि सारी हम लाएंगे तो जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत भेदभाव है उसको हम खत्म कर देंगे, और जो अपोजिशन है वो बोल रहा है कि इससे काफ़ी जो हमारी डाइवर्सिटी उसको नुकसान पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में मतलब ऐसा डर है कुछ कि कुछ चीज़ें अलग होंगी या ऐसा वैसे कुछ? हाँ, देखा जाए तो कुछ नॉर्थ ईस्ट लोगों के मन में ये डर है कि यूसीसी आने से उन लोगों का डाइवर्सिटी थोड़ा मतलब उस पर थोड़ा अट्रैक्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कुछ भेदभाव होगा क्योंकि वो क्यों है मैं वो बताती हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आप लोग जितना भी मतलब देखें, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग सरकार को इतना पसंद नहीं करते। अभी जो सरकार है मतलब बीजेपी सरकार, सबके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ ही लोगों के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि उसके मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उसके लिए वोट किए थे। मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपकी अभी देखा जाए, कल रात हम हॉस्टल में सभी लड़कियां से बात कर रहे थे तो मतलब वहाँ पे एक लड़की जो मतलब बिहार से है, उसने बोली कि यूपी में सब्जियों का दाम बहुत बढ़ गया है। बोल रही है कि सभी सब्जियाँ 60-70 के जी में मिल रहे हैं। तो मैंने बोला वो तो इतना भी ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है। हमारे असम में अभी अगर आप देखें तो 180+ केजीज हो गए हैं वेजिस के। अगर जो इंसान दिन में मजदूरी करता हो उसको दिन में बस 200 रुपये मिलता है, और अगर उसकी सब्ज़ी लेने में ही अगर पूरा 200 रुपये ख़त्म हो जाएगा तो ये मतलब वो लोग विरोध करेंगे ही ना उसका, बीजेपी का मतलब जो सरकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूसीसी है उससे कुछ बुरा हल पड़ने वाला है। एज ए नॉर्थ ईस्टर्न मैं तो यूसीसी को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि यूसीसी आने से जेंडर इक्वलिटी भी होने वाला है, जस्टिस भी मिलने वाले हैं। जो महिलाएं हैं जिनको मतलब खुद का राइट्स लेने में मतलब हक नहीं मिल रहा है, उनको भी हक मिलने वाला है। तो देखा जाए तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न ऐसे भी है जैसे कि मैं, जो इसको सपोर्ट कर रही हूँ यूसीसी को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूसीसी जो आने वाली है, मुझे तो मैं उसकी सपोर्ट करती हूँ यूसीसी की, क्योंकि जब यूसीसी आ जाएगी तो तब रिलीजन को इतना ज़्यादा मैटर नहीं होना पड़ेगा। तो सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। तो आपने देखा कि आसाम से आई कोई छात्रा जो कि यूसीसी पर डिबेट में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, और हमने उनसे डिबेट के बाद बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा कि यूसीसी को लेकर वो क्या सोचती हैं और किस प्रकार से उनको क्या लगता है, क्या उनके हितों का नुकसान होगा या उनके हितों का फ़ायदा होगा। और साथ साथ ये बनारस में भी हैं काफ़ी टाइम से, तो हमने इनसे बनारस के कल्चर, बनारस के खान पान, सारी चीज़ों को लेकर सवाल किया। तो चलिए, ऐसे ही शानदार बातचीत के लिए और शानदार अनुभवों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए एक सोच। धन्यवाद।